हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगर चार्ट, मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो गोल्ड ट्रेड कर रहा है लगभग 1.62% डाउन, लगभग 850 रुपये लॉस के साथ फॉर द मंथ। लास्ट महीने भी हमने लगभग 412 पॉइंट और लगभग 1% डाउन गोल्ड को बंद होते देखा। यहाँ इस साल के सभी टारगेट अचीव कर चुका है गोल्ड, और अभी यहाँ जो है तो करेक्टिव फेज में है। आने वाले दिनों में आपको गोल्ड में जो है तो नीचे के लेवल 48,000 और उसके नीचे के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ ऊपर के लेवल मुझे लगता है कि अभी शायद नहीं आएंगे, और मोस्टली गोल्ड जो है तो नीचे के लेवल पर ही ड्रिप डाउन करेगा। अगर गोल्ड जो है तो 43,000 या उसके नीचे मिलता है तो वो एक लॉन्ग टर्म बाइंग एंड एक्युमुलेटिंग अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टर के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट आपको किस में करना है तो गोल्ड ETF में, जो गोल्ड ETF NSE पे अवेलेबल है उसमें आप कर सकते हो। उसको 43 या उसके नीचे जो है तो आप SIP या फिर लमसम में भी एक अच्छा खासा पैसा गोल्ड में डाल सकते हो। यहाँ जो है तो गोल्ड पे मैंने जैसे कहा, मेरे पिछले भी वीडियो आप जाकर देख सकते हो, मेरा टारगेट 80,000 to 85,000 का रहेगा आने वाले मीडियम टू लॉन्गर टर्म में। तो 43,000 का आपको लेवल मिलता है तो वहाँ से लगभग आपके पैसे जो है तो दुगने हो सकते हैं आने वाले 3 से 5 सालों में। और यहाँ जो है तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। नीचे के लेवल पे आपको 43 के नीचे लमसम जो है तो अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड करनी है इन गोल्ड ETF। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि गोल्ड ने एक अच्छी खासी रैली ली थी यहाँ 50 वीक का एवरेज के अराउंड सपोर्ट लेने के बाद। हम फिर से जो है तो उसी एवरेज के अराउंड आ रहे हैं, और यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हम जो है तो शायद आने वाले दिनों में ब्रेकडाउन देख सकते हैं। तो जैसे गोल्ड 49,000 के नीचे स्लिप करेगा ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, आपको जो है तो एक डीपर करेक्शन जो है तो एक्टिवेट होते दिखेगा मार्केट में। और उस सिनेरियो में गोल्ड की जो टारगेट रहेंगे 45,000 और उसके बाद में 43,000 के टारगेट आपको गोल्ड में आते हुए दिखेंगे। तो जैसे ही 49,000 का लेवल ब्रीच होता है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, मुझे लगता है कि गोल्ड जो है तो निचले लेवल पे जा सकता है, और आपको 43 और उसके नीचे जो है तो बाइंग के लिए वेट करना चाहिए इन गोल्ड ETF सेगमेंट। और आप फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हो, जो 99% प्योर जो गोल्ड है 24 कैरेट गोल्ड, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसमें बहुत सारे दिक्कतें हैं GST और बाकी की, मगर आपको अगर पहनने के लिए गोल्ड लेना है और आपको एज ए इन्वेस्टमेंट भी लेना है तो 43 के नीचे आप जो है तो गोल्ड में एज अ फिजिकल गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो आपको यूज़ करने के लिए भी मिलेगा और उसका जो वैल्यू है वो भी बाय द टाइम एज अ ग्रो करेगा। तो 43 के नीचे एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और हम 49 के नीचे जाते हैं तो आपको एक मीडियम टू लॉन्गर टर्म करेक्शन यहाँ ट्रिगर होते हुए दिखेगा। उसमें जो है तो 45,000 और उसके बाद में 43,000 के लेवल गोल्ड पे आते हुए दिखेंगे। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस महीने के लिए गोल्ड जो है तो यहाँ उसने जो 200 डेज का एवरेज था उसके अराउंड उसने सपोर्ट लिया है, वो था लगभग 49,500 के अराउंड, और वहाँ से बाउंस बैक करके फिर से जो है तो यहाँ नीचे के लेवल दिख रहे हैं। तो जब तक गोल्ड जो है तो 41,100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ गोल्ड पे मेरा बेरिश व्यू रहेगा। और यहाँ फिर से आप 49,600 और उसके नीचे के लेवल जो है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गोल्ड जब तक 51,100 के नीचे है यह आपको बेरिश व्यू रखना है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको फिर से एक जो है तो एक रैली दे सकता है गोल्ड, जो लेकर जा सकती है उसको 53,000 के तरफ। तो अगर 51,100 के ऊपर सस्टेन करता है गोल्ड तो आपको एक रिलीफ रैली या शॉर्ट कवरिंग रैली दिखेंगी जो गोल्ड को लेकर जाएगी 53,000 के तरफ। अगर उसके नीचे रहता है तो आपको गोल्ड में 49,500 और उसके नीचे के लेवल जो है तो आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो यह डेली चार्ट पे एक करेक्टिव पैटर्न है, उसने जो करेक्शन का टारगेट था वो भी अचीव कर लिया है। अभी जो नेक्स्ट ब्रेकडाउन या फिर शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड शुरू होगा वो 49,500 के नीचे शुरू होगा, जो कि है इसका 200 डेज एवरेज, और उसके नीचे आपको गोल्ड में एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए दिखने को मिलेगी। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट कम्युनिटी कॉल चाहिए तो आप मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप मिलेगा।
उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. नेवर मिस एन अपडेट.